अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुस्कान बुटीक एंड सिलाई सेंटर। यहाँ आज मैं आपको शॉल कॉलर शर्ट पैटर्न कुर्ती बता रही हूँ, तो जो इस तरह से दिखेगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको बारीकी से समझ में आएगा कि किस तरह से कॉलर बनी है और किस तरह से सिला है। मैंने स्टार्टिंग में मेजरमेंट भी लिख दिया है, ताकि आप लोगों को अपने मेजर के अकॉर्डिंग आप अपना नाप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको हमने दोनों पल्ले अलग कर लिए हैं, क्योंकि एक जो फ्रंट वाला जो पल्ला है वहाँ पर प्लेकेट बनेगा पूरा नीचे तक, और जो बैक है वो प्लेन रहेगा। तो एक को हमने ओपन साइड रख लिया हमारे सामने करके, और एक को पैक साइड रख लिया है। और यहाँ पर हम पूरी मार्किंग कर रहे हैं। हमने 2 इंचेस तक का यहाँ पर फोल्डिंग के लिए छोड़ा है, 1-1 इंच दोनों साइड फोल्डिंग होगा। तो उसको छोड़कर यहाँ से हम पूरा नाप लगा रहे हैं। शोल्डर हमारे 7 इंच है, तो 7 का हम बॉक्स बनाकर यहाँ पर, हमारा चेस्ट 36 का था, 36.5, तो यहाँ पर हम 9.2 लगा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल का भी हमने लगा दिया, और 2 इंच की मार्जिन दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम वेस्ट लगा रहे हैं, फिर से हम 7 का बॉक्स बना रहे हैं, और यहाँ पर 34 की हमारी वेस्ट है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच की वेस्ट लगा दी है हमने यहाँ पर। और दोनों मार्जिन को और फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाकर यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लोप दे रहे हैं, और यहाँ पर शोल्डर आर्मोल का की मार्किंग कर दी है। यहाँ पर कॉलर थी इसलिए हमने शोल्डर ज़्यादा लिए हैं। शोल्डर यहाँ पे 6 इंचेस थे, यहाँ पर हमने 7 इंच लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शॉल कॉलर बना रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे की भी मार्किंग कर रही हूँ मैं, हिप का भी लगा दिया है 10 इंच, और पूरी मार्किंग नीचे तक कर दी है। आप अच्छे से वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम जितना भी हमें घेर चाहिए था उतना नीचे तक पूरा हम मार्किंग कर देंगे। आप स्केल से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ टेप से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रहे हैं, हम 1-1 इंच का मार्जिन दे रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे से पूरा ही लूज़ रहेगा ये, और ये बनकर बहुत अच्छा लगेगा। आप स्टिचिंग भी अच्छे से पूरी इसकी देखिए। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे, नीचे तो थोड़ा सा कर्व शेप लगा देंगे ताकि कॉर्नर ना निकले। ये इस तरह से हमने पूरी हमारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है, अब हम इसको कट कर देंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ आई या ना आई। इसके बाद मैं और भी बहुत अच्छी डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है अभी, इस वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और मैं इसके बाद करूँगी, मैं स्टिचिंग कटिंग तो कर रही हूँ लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, ना ही एडिटिंग हो पा रही है। तो यहाँ से नीचे से कर्व शेप देकर इसको हमने कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है, और ये खुली साइड हमारी फ्रंट साइड है। अब हम जो बैक साइड है इस पर यहाँ पर नोचेस लगा लिया है हमने, और इसको ऐसा फोल्ड करके इस तरह से हमारा शर्ट पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के अंदर हम 2.5 इंच का हम पीछे से नेक काट रहे हैं, क्योंकि कॉलर लगेगी। कॉलर में 1/2 इंच के हम डीपनेस ले रहे हैं, और 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। इस तरह से इसको कट कर देंगे, और यहाँ पर हम कॉलर लगाएंगे। यहाँ पे मार्किंग हम दूसरी साइड ट्रेस कर रहे हैं, ताकि हमें फ़िटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो हमने यहाँ पर जो फ़िटिंग की मार्किंग है उसको ट्रेस कर लिए हैं, और आगे हमने डेप्थ भी दे दिए हैं फ्रंट वाले पार्ट में, इसको हाईलाइट कर दिया हमने। यहाँ पर हमने कैनवास पे नेक काट लिया है, जिसको मैं आपको बनाना भी बता चुकी हूँ और कटिंग भी बता चुकी हूँ पहली वीडियो में। तो इसको बीच में से हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों पल्ले अलग अलग हैं, दोनों पार्ट में हम अलग अलग नेक बनाएंगे, बीच में से हमने हाफ कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी, एक फ्रंट का हमने एक पल्ला लिया है, और उसको हम फोल्ड कर रहे हैं। अच्छे से फोल्ड करेंगे, शल ना आए। इसके ऊपर हम फिर बटन भी लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप एंड तक देखिए प्लीज़ मेरी वीडियो को,
और सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। यहाँ पर मैं नेक बना रही हूँ। नेक बनाना मैं आपको बता भी चुकी हूँ अच्छे से। वीडियोस बहुत ज़्यादा फिर बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसे नॉचेस लगाकर अच्छे से पीछे पलटा कर पूरी नेक हमारी यहाँ पर तैयार होगी। इसी तरह से हम दूसरी वाली को भी रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी रेडी हो गई और यहाँ पर हमने एक सिलाई से इसको कवर कर लिया है और बाकी नीचे से हमने ओपन रखा है इसको। इसको हमने 15 इंचेस तक सिर्फ पैक किया है, बाकी ओपन है। हम दोनों शोल्डर की साइड जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ लिए हैं हमने ये इस तरह से। आप भी अच्छे से इसको अटैच कर लें। और अब यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो स्लीव्स यहाँ पर हमने कटिंग कर ली, डेप्थ भी दे ली है। डेप्थ वाला भाग फ्रंट में आएगा और यहाँ पर हम साइड फिटिंग लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कॉलर की कटिंग बता रही हूँ। पहले हम पूरे नेक को पीछे तक नाप लेंगे। 11 इंचेस आया, लेकिन हम यहाँ पर 12 इंच की का कैनवास लेंगे और इसको थोड़ा सा कर्व शेप देकर हम कॉलर का शेप दे देंगे यहाँ पर। और इसको आयरन से हम अच्छे से चिपका लेंगे। आप चिपकाते वक्त ध्यान रखिए कि अच्छे से चिपका हुआ हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे और इसको हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको हम फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल इसके किनारे से। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम एक सिलाई लगा रहे हैं इसकी। ये नीचे वाली साइड रहेगी। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर रहे हैं सिलाई लगाकर। और ये हमारी ऊपर वाली जो हम नेक में अटैच करेंगे वो साइड है ये। इसको हम ऊपर से शेप जिस साइड से हमने दिया है कर्व शेप, उस तरह से सिलाई लगाएंगे। और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारे शल ना आए और फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे। छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे कट और फिर इसको पलटा लेंगे हम अच्छे से। आप इसके ऊपर अच्छी आयरन कर लीजिए अच्छे से, सिलाई अच्छी जम जाती है। ये मैंने यहाँ पर आयरन कर दी हूँ। अब हम इसको सेंटर पॉइंट कर रहे हैं बिल्कुल इक्वल करके और यहाँ पे नॉचेस लगा रहे हैं। और नेक में भी हमने नॉचेस पीछे साइड लगा लिया है और दोनों खुटके को आपस में मिलाकर अब हम यहाँ पर जो सीधी वाली साइड थी उसको हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अब हम एक साइड हमने अटैच कर दिए हैं, अब हम दूसरी साइड इसको अटैच कर रहे हैं इस तरह से। अब दोनों साइड हमारी अटैच हो गई है। अब हम पूरा अच्छे से एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर करते हुए सिलाई लगा देंगे कॉलर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कितनी अच्छी बढ़िया शॉल कॉलर बनकर तैयार हो गई है। और मैं इसके बाद स्टैंड कॉलर, शर्ट कॉलर, बैंड कॉलर सब बताने वाली हूँ आपको। लेकिन आप जो भी देखें अच्छे से देखें, उसको पूरा देखें एंड तक, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप आगे बढ़ा बढ़ा के मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बारीकी से बताई है। ये देखिए यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल हमारी शॉल कॉलर बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं बटन टाँक रही हूँ। बटन टाँकने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। अब यहाँ पर पैंट जो, इसमें भी बटन टाँक रही हूँ। पैंट की कटिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए किस तरह से हमारा ब्यूटीफुल ड्रेस बनकर तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।